morning, everyone. As you know, we were doing the Bohr model of atom, and we have discussed some parts of Bohr model of atom. We also discuss about how to calculate the radius of any orbit. So, we are getting the formula to calculate the radius of any orbit is. Radius of any orbit is equal to 0.529 into r square upon z in angstrom. हमारे पास ये formula था 0.529 r square upon z angstrom. ये formula हमारे पास कहाँ से आया था? जब मैंने Bohr model of atom के आपको postulates करवाए थे तो वहां पर मैंने relationship बताई थी आपको कि जो टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दिस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन when electron move revolve around the nucleus then it generates centrifugal force this centrifugal force is equal to m square upon r and both the force are equal so we can say that m square upon r is equal to kz square upon r square so we can calculate the value of the v square from here v square R cancel by the R, so V square is equal to K Z E square upon M R. We also have the formula of angular momentum of any electron M V R is equal to N H upon 2 pi. तो ये जो formula है हम इनके already discuss कर चुके हैं. जो किसी भी orbit का के अंदर जो electron move करेगा वो उसी इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दोज ऑर्बिट वॉज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मेल्टी पर ओवर बाय अपॉन 2 पाई सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन दिस फॉर्मूला दैट वी ऑब्टेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस above this derivation to calculate the radius of the orbit so if we put the value of v square in this formula we obtain m square r square into kz square is equal to n square r square upon 4 pi square m r is cancelled out so we obtain the m r k z square is equal to n square r square upon 4 pi square we can calculate the value of the r from here so r is equal to r r square r square 4 pi square into m k z square this is the formula of radius radius of any nth orbit n is the number of orbit and the value of orbit is 1 2 3 and so on r square r square 4 pi square r k z square h pi m k e 4 these are constant we putting the value of these constant that we obtain 0.529 so rn is equal to 0.529 और हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है r square कौन सा
जो आएगा हमारा किसमें आएगा, एंगस्ट्रोम में आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 एम स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रोम। 11th क्लास में बेटा वो मॉडल ऑफ एटम का हमें थ्योरेटिकल व्यू नहीं लेना, जो मैथमेटिकल व्यू है वो हमें लेना है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बनेंगे फॉर्मूलाज के अंदर से, तो ये आपको लर्न करना है। यहाँ से अब हमारे पास रिजल्ट ये आ रहे हैं कि जो रेडियस है किसी भी ऑर्बिट की वो प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर अपॉन जेड। मीन अगर एन इंक्रीज होता है तो आर भी क्या होगा, रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑलरेडी बता चुके हूँ पीछे वाली क्लासेस में कैसे, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो ऑर्बिट की रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी। इस पहले ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, स्मॉल, सेकेंड की ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड एंड सो ऑन। उन्होंने यहां से भी इसको प्रूव किया, इफ जेड इंक्रीज एटोमिक नंबर इंक्रीज देन आर डिक्रीज। वाई, इफ एटोमिक नंबर इंक्रीज इट मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज, सो पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इंक्रीज, सो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज। ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट टर्न करते हैं वहां पर एटोमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, तो एटोमिक साइज यानी कि एटोमिक रेडियाई क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रही है, जेड का नंबर इंक्रीज होने की वजह से। जेड इंक्रीज होने का मतलब प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस, इफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज एंड कंट्रैक्शन टेक प्लेस, सो रेडियस डिक्रीज। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अब हमारे पास यह फॉर्मूला आ गया, अगर हमारे पास दो ऑर्बिट की रेडियाई का हमें कंपैरिजन करना हो, दो डिफरेंट एटम्स की ऑर्बिट की रेडियाई का कंपैरिजन करना है, या एक ही एटम की दो रेडियाई का आपस में कंपैरिजन करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। सपोज करो एक ऑर्बिट की रेडियस है आर वन, तो इसकी ऑर्बिट है अन वन अपॉन जेड स्क्वायर लिख दू। आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अन टू स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर हमें दो ऑर्बिट की रेडियाई का कंपैरिजन करना है, दो डिफरेंट एटम की ऑर्बिट का रेडियाई या एक ही एटम के दो ऑर्बिट की रेडियाई का कंपैरिजन करना है, तो हम यहां से इनका रेशियो निकाल सकते हैं। ये रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू अन वन अपॉन अन टू स्क्वायर इंटू जेड वन जेड टू जेड टू अपॉन जेड वन। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जैसे इसकी यहाँ पर कैलकुलेट रेशियो ऑफ ऑर्बिट रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ एलआई टू पॉजिटिव सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच पॉजिटिव आयन। इसका मतलब समझ लो, मैंने एक बात पिछली बार भी आपको शायद बताई होगी, नहीं बताई तो नोट कर लो। नोट क्या है, ये बोर मॉडल ऑफ एटम की एक लिमिटेशन भी है। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। नोट है, लिमिटेशन भी है ये बोहर मॉडल ऑफ एटम की। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज एटम या आयंस के लिए ही एप्लीकेबल है बोर मॉडल ऑफ एटम। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम आल्सो।
अब जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज कौन कौन है, हाइड्रोजन, यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, जेड कितना इसका 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना इसमें 1, हीलियम का जेड कितना है 2, अब हीलियम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जेड जितने तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, जेड इक्वल ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, लेकिन ये हीलियम एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बोर मॉडल ऑफ एटम, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अच्छी प्लस बन जाएगा ना ये हीलियम आयन, सो बोर मॉडल ऑफ एटम इज नॉट एप्लीकेबल टू हीलियम एटम बट इट इज एप्लीकेबल टू हीलियम आयन। अब हीलियम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना रह गया, 1 रह गया। इन द सेम वे लिथियम आयन, लिथियम यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, सो लिथियम एटम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, बोर मॉडल ऑफ एटम इज नॉट एप्लीकेबल टू लिथियम एटम बट इज एप्लीकेबल टू लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। If you remove the 2 electrons, then 1 electron is left. So 3 minus 2 is equal to 1. So Bohr model of atom is applicable to hydrogen atom, helium ion, lithium ion, achi positive ion, electro positive ion, and beryllium. Atomic number of beryllium is 4, so it contains 4 electrons. But if we remove the 3 electrons, then we left the beryllium 3 positive ion. Okay? So these all are one electron containing species and Bohr model of atom is applicable only for this species. So बेटा ये नोट आपको लिखना है, Bohr model of atom सिर्फ इसके लिए applicable है, one electron containing species के लिए applicable है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को समझो, आपको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, रेडियस जो होती है हमारे पास, मैं इसको प्रोपोर्शनल लगाऊंगी, प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर मैं इक्वल लगाऊंगी क्योंकि प्रोपोर्शनल की साइन हटाकर हम वैल्यू क्या लगाएंगे, 0.529, तो 0.529 यहाँ पर लगाएंगे, 0.529 यहाँ पर लगाएंगे, तो इनका रेशियो लेंगे तो 0.529 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देन क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है ना, तो 0.529 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिट की रेडियाई का कंपेरिजन है ये। तो अब मैंने क्या क्वेश्चन में लिखा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ अलाइन टू पॉजिटिव आयन, लिथियम टू पॉजिटिव आयन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियाई और हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियाई का आपको कंपेरिजन करना है, सेपरेट करके भी रेशियो निकाल सकते हो या जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब लिथियम टू पॉजिटिव आयन है हमारे पास, तो इसकी जो रेडियाई है हमारे पास लिथियम टू पॉजिटिव आयन की, उसको हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ अलाइन टू पॉजिटिव आयन इस पर प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला है ना, तो एन क्या है लिथियम के लिए, एन की वैल्यू लिथियम के कौन सा ऑर्बिट पूछा, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 4/3। लिथियम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियाई प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी, 4/3। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो रेडियाई ऑफ अच्छी टू पॉजिटिव आयन और किसकी, हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट की, यानी कि अन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड कितना होता है 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/4। तो इस तरह से हमारे पास रेशियो आ जाएगा, अब इस रेशियो को हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 × 4/9 रेशो आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर भी पुट कर सकते थे, ऊपर ले लेते जैसे हम लिथियम के लिए, तो लिथियम का हमारे पास कौन सा ऑर्बिट था, सेकंड, तो सेकंड के लिए वैल्यू क्या आ जाती, सेकंड के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 2, हीलियम का कौन सा था 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू जेड टू किसके लिए हो गया, लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए जेड कितना होता है 3, और हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4/9 × 3/ की रेडियाई हमारे अपने लिए रखी है सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर, और हमारे पास हीलियम की जो रेडियाई है वो थर्ड, तो थर्ड का स्क्वायर, तो 2/3, तो हमारे पास आ जाएगा 4/9।
इनटू ऊपर क्या चला जाएगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम विच इज टू, एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम विच इज 3, 2/3, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8/27। तो चाहे आप इसको ऐसे रेशो करके निकाल लो या इसको सेपरेट करके बाद में डिवाइड कर सकते हो। हमने सेपरेट किया एंड देन कैलकुलेट द रेशियो। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, दो डिफरेंट एटम्स की रेडियाई का रेशियो निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमने रेडियाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा था, आपको याद रखनी है। अगर आपको ऐसे एक एटम की भी दे दी जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ अच्छी पॉजिटिव हीलियम आयन, हीलियम आयन की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करो। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए फॉर्मूला, रेडियस कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू अनस्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रोम आएगा, आंसर हमारा 0.529। अन की क्या वैल्यू पुट करोगे, सेकंड ऑर्बिट है तो अन की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड है हीलियम आयन के लिए, जेड एटॉमिक नंबर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.529 इंटू 4 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम, इसी को 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है 10^-10 मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेडियाई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, दो रेडियाई का रेशियो पूछा जा सकता है या किसी एक ही 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की रेडियाई आपको कैलकुलेट करनी दी जा सकती है। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूले लेंगे हम वेलोसिटी निकालने का, एनर्जी निकालने का, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।